Hello everybody, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about frequently asked diagrams of chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance, class 12th, Biology. इससे पहले already हम तीन chapters के frequently asked diagram की video बना चुके हैं, which are chapter number 1, Reproduction in Organism, chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants, and then chapter number 3, which is known as Human Reproduction. So guys, अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं, तो description box में link given है, वहां से जाके आप वो videos देख सकते हैं. आज के इस video में हम बात करेंगे the most frequently asked diagrams, यानी कि most important diagrams of chapter 6, Molecular Basis of Inheritance. If you are new to our channel, please subscribe this channel and don't forget to turn on the bell notification ताकि next time जब भी हम video upload करें आपको एक notification आ जाए और आप कोई भी video miss ना करें. और अगर ये video पसंद आती है, which I will make sure आपको video अच्छी लगेगी, तो please like करना ना भूलें. चलिए शुरू करते हैं without wasting any time. सबसे पहले है जो हमारा first diagram है, it is known as double stranded polynucleotide chain, यानी कि DNA का एक structure. DNA के structure में the main thing is कि यहाँ पर hydrogen bond से आपको ये जो enzymes हैं ये जुड़े हुए मिलते हैं. इनमें क्या है, सबसे पहले adenine. Adenine का opposite जो होता है वो होता है thymine. okay, adenine का opposite है thymine. thymine के बाद अब यहाँ पे अगर जैसे आप देख रहे हो thymine है, thymine के opposite क्या होना चाहिए, एडेनिन. ओके, इसी तरह इन चीजों को हम समझेंगे. उसके बाद यहां पे ग्वानिन है, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन. ठीक है, उसके बाद साइटोसिन के बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, ग्वानिन. देन चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया. इसमें एक और चीज जानने वाली है, ये स्ट्रैंड्स. डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूमेरिकल फॉर्म जिस तरीके से हम लिखते हैं वो होता है 5-2-3 स्ट्रैंड. ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रैंड वो उसको हम कहते हैं 5-2-3 स्ट्रैंड, नीचे वाले को हम कहेंगे 3-5 स्ट्रैंड. अगर आप इसको उल्टा करते हो, 3-5 स्ट्रैंड करते हो ऊपर वाले स्ट्रैंड को, तो क्या लिखोगे कि टी जो है वो ऊपर चला जाएगा और ए जो है वो नीचे आ जाएगा. तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि आप जो डायग्राम बना रहे हो उसके अंदर इनकी पोजिशंस का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. देन जो नेक्स्ट है, इट इज न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम आता है, क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बट आपको इसके अंदर क्या होगा कि कभी लेबल करने के लिए बहुत कम आएगा, बट डायग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आता है. इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए भी आ जाता है, बट मेनली इसके अंदर आता है कि आपको लिखना पड़ेगा और फुली उसको लेबल करना पड़ेगा, तभी आपको ऑलमोस्ट 1.5 मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. ओके, देन नेक्स्ट है रेप्लिकेशन फोर्क ऑफ डीएनए. नाउ हमने डीएनए देख लिया कि डीएनए किस तरीके से बना हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है, किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट है कि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होने के लिए दो स्ट्रैंड होने इंपॉर्टेंट हैं, और वो दो स्ट्रैंड कैसे होंगे, 5-3 एंड देन 3-5. ये दो स्ट्रैंड हो गए, इनके अंदर आप देख सकते हो 5-3 यहाँ पर, जब 5-3 जब हम जा रहे हैं उसके अंदर स्ट्रैंड के अंदर जो रेप्लिकेशन होगा वो होगा कॉन्टिन्यूस. ठीक है, और उसके बाद जब हम 5-3 इस उल्टी डायरेक्शन में आएंगे जो कि हम 3-5 वाले स्ट्रैंड के ऊपर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, यानी कि विथ सम गैप्स, गैप्स के बीच में वहां पे सिंथेसिस होगा, डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा. और इनको जो बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड्स, और ये वाले जो हैं इनको हम कह सकते हैं जो न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड बने हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स. उसके बाद नेक्स्ट है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. इसके अंदर सबसे मेन चीज है कि आपको रेडियो एक्टिविटी देखनी है इन बैक्टीरिया या इन वायरस के अंदर. सबसे पहले हमने वायरस लिया, विच इज नोन एज बैक्टीरियोफेज. तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है, मतलब जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया को ढूंढने का काम करेगा. ठीक है, तो बैक्टीरिया को ढूंढने का काम करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है बैक्टीरियोफेज. देन इसके अंदर सब एक के अंदर हमने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर. ओके, सल्फर 35. देन एक के अंदर हमने डाला रेडियो एक्टिव पोटेशियम, विच इज नोन एज 32. ठीक है, 32 वाला डाला. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जब हमने इनके अंदर डाला तो हमने देखा इनके अंदर इन्फेक्शन हुआ. इन्फेक्शन होने के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं ये फुली इन्फेक्टेड है और ये हाफली इन्फेक्टेड है. इसके अंदर इन्फेक्शन अभी होना शुरू हुआ है. उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग होगी. ब्लेंडिंग मतलब सब मिक्सड अप होगा, सारी चीज़ों का जो रेडियो एक्टिव जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे सभी ब्लेंड अप होंगे. उसके बाद जो मेन जो इनका प्रोसेस होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होगा, हम पता लगाएंगे कि ये वाला, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इरेज़ ऑल कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर
और ये स्ट्रक्चर, दोनों को अलग अलग देखेंगे। जब हम नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें S35 जो हमने देखा था उसके अंदर हमें नो रेडियो एक्टिव सेल्स देखने को मिले, यानी कि रेडियो एक्टिव सेल यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखने को मिले जो हमने डाले थे ऑलरेडी। देन जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ जो हमने P32 वाला लिया था इसके अंदर हमें रेडियो एक्टिव सेल अब तक जिंदा मिले, ठीक है, अब तक वो सर्वाइव कर पाए। बट इन दीज स्ट्रक्चर्स यहाँ पर रेडियो एक्टिव S35 सर्वाइव कर गया और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो वही यहाँ पर डिफरेंस है जो कि किसने बताया था, हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये आपको थ्योरी वाइज लिखने के लिए आता है, तो मेक श्योर आपको इसका डायग्राम इजीली पता हो ताकि आप जो है अपनी नोटबुक में या फिर अपनी आंसर बुक में जो आपको आंसर शीट मिलेगी एग्जामिनेशन के टाइम, वहां पर आप काफी अच्छे से इन चीज़ों को लिख पाए। नेक्स्ट है tRNA, जिसको हम कहते हैं अडैप्टर मॉलिक्यूल, एक तरीके से चीज़ों को अडैप्ट करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, उस टाइम पर ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और वो कौन सा, जो RNA होता है, RNA जब आगे ट्रांसलेशन में ट्रांसक्रिप्शन में जो वर्क करता है वो कौन सा RNA होता है, इट इज़ नोन एज tRNA, ठीक है। देन उसके बाद आगे चल के वो mRNA में कन्वर्ट होता है। RNA दो तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है ये क्या है, यहाँ पर आपको सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, विच इज एडेनिन, यूरेसिल, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। ए का आपको ये पता होना चाहिए, ए का जो अपोजिट होता है वो होता है यू, ठीक है। देन जी का अपोजिट जो होता है वो सी, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि आगे चल के इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। देन नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो है मिसेलसन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या करना था, हमें सेपरेट करना था डीएनए को बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड की वजह से हमें डीएनए को अलग अलग करना था। हमने देखा था पहले कि हमने हर्षे और चेज में इस वाले स्ट्रक्चर को, एक तरीके से ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए ये वाला पार्ट अलग हटा दिया और ये वाला पार्ट अलग हटा दिया था। उसी तरह इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इसके अंदर आपको चार तरीके के स्ट्रैंड्स देखने को मिल रहे हैं। डीएनए के अंदर दो तरीके के स्ट्रैंड्स होते हैं, तो आपने देखा एक स्ट्रैंड अलग निकल गया और एक स्ट्रैंड अलग निकल गया। टाइम पीरियड कितना था, 20 मिनट। मिसेलसन और स्टेल्स का एक्सपेरिमेंट है तो हमें उन्हीं के वे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैवी तरीके का जो स्ट्रैंड है वो यहाँ पर देखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। 20 मिनट के गैप के बीच में जनरेशन वन निकल के आई जो कि दो फॉर्म्स में निकल के आई थी, है ना। तो यहाँ पर दो तरीके के स्ट्रैंड बन गए। दो तरीके के स्ट्रैंड मीन्स एक तरीके की ही दो स्ट्रैंड्स बन गए। देन आगे जब चले तो हमने देखा कि दो स्ट्रैंड जनरेशन सेकेंड में, दो स्ट्रैंड्स बिल्कुल सेम थे देखने में और दो स्ट्रैंड बिल्कुल डिफरेंट थे, ओके। तो यहाँ पर एक जो स्ट्रैंड बना वो लाइट स्ट्रैंड बना एंड एक बना जो हाइब्रिड, दोनों का मिक्स्ड अप स्ट्रक्चर। ये जो डीएनए है ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और किस मेथड की वजह से हुए हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इनका एक्सपेरिमेंट मेनली यही था कि किस तरह सेपरेट किया जाए डीएनए को एक दूसरे से, उसके स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से, ताकि मतलब पता लगाया जा सके किस किस फॉर्म में जनरेशन उसके अंदर प्रेजेंट है। देन चलते हैं नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके बिना ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जानना ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है। देखिए ये जो एरो है ये आपको क्लियरली बता रहे हैं, यहाँ से जो है कोडिंग शुरू होती है, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रैंड को बोल दिया कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं प्रमोटर, इसे कहते हैं टर्मिनेटर। प्रमोटर इसलिए कहते हैं बिकॉज आगे ये प्रमोट करेगा किसी भी सिंथेसिस के होने के लिए। और ये वाला है स्ट्रक्चरल जीन जहाँ पर सब कुछ जनरली होगा, ठीक है। एक अगर ऐसे आरएनए है या डीएनए है उसके अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट, ये नहीं कि पूरा पार्ट ले लिया आपने, ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन की जरूरत है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कौन सी है, 3 से 5, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट डायग्राम में आपको क्या होगा कि अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको पूरी थ्योरी इजीली याद रहेगी, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। यहाँ पर ये है ऑपरेटर रीजन, ठीक है। उसके बाद ये है ट्रांसक्रिप्शन जो भी यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ये जो ऑपरेशन जहाँ पर पर्टिकुलरली ऑपरेटर रीजन है, जहाँ पर चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, वहाँ से एक दूसरे को चीज़ों को अलग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्रेसर mRNA है, लेकिन यहाँ पर लैक mRNA है, क्योंकि यहाँ पर बीच में ऑपरेटर आ रहा है जो ऑलरेडी ऑपरेट कर चुका है, और यहाँ पर इंड्यूसर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लैक
शब्द का यूज किया जाता है। देन ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इट इज ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद इंड्यूसर जब यहाँ से निकल जाएगा तो जो रिप्रेसर है इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन होने के लिए देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसी तरह पूरे जो लैक ऑपरेंड का डायग्राम है ये आपको रट के जाना है, ताकि आपको जो है इजीली चीज़ों को समझ सको आप, और चीज़ें जो हैं आपके लिए बिल्कुल साफ पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाए, चीज़ें आप इजीली समझ पाओ। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, बिल्कुल फ्री है ये सब, आप हमारी अगली वीडियो को मिस ना करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। बाकी और सारे चैप्टर्स और बहुत सारी वीडियोस का अभी हमने एक और वीडियो बनाई है केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सब उसके अंदर दे दी गई हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, उसका लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन में आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देखिए किस बात की दे रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।